ओके तो वीडियो की शुरुआत हो रही है पॉजिटिव नोट से, बिकॉज हम जा रहे हैं बाहर। तो बाहर मतलब मुंबई में जा रहे हैं, मेरा ऑफिस का काम है तो उसकी वजह से मैं जा रहा हूँ कार लेके, क्योंकि थोड़ा सा सामान जो ऑफिस का है वो मुझे लेना है, क्लाइंट को देना है। और उसी बहाने ठकुराइन जी भी हाथ मार रही है, उसको भी मेरे साथ आना है। बोला चल ठीक है, काजू नहीं आ रहा है, क्योंकि काजू को लेके जाके कोई मतलब नहीं है, तो घर पे रहेगा आराम से। अपने सीसीटीवी जो है ये देखो, ये सेटअप कर लिया है। अभी होप्स हो ज़्यादा कुछ कर, वैसे तो कुछ करेगा नहीं, 5-10 मिनट चिल्लाएगा बाद में सो जाएगा। तो अभी बजे 4:15 बजे हम दोपहर को ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। कोई भी टाइम नहीं है, जब भी मन हुआ ब्लॉग शुरू होता है, जब भी मन हुआ एंड होता है, बस ऐसे ही चल रहा है लॉकडाउन में। चलो अच्छा है, थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है तो ये वीडियो में थोड़ी पॉजिटिविटी मेरे में ज़्यादा दिखेगी शायद, क्योंकि अपन बाहर जा रहे हैं। चलिए तो दर्शकों देखिए रोड कितना खाली है। शाम के बजे 5:30 ऑलमोस्ट, और ये टाइम पे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होती है नॉर्मल डेज में। ये साइड तो बहुत ज़्यादा होती है, मैं मुंबई की तरफ जा रहा हूँ, इट इज़ वेरी लेस। हम लोग तो आधा घंटा भी नहीं हुआ, हम लोग यहाँ तक पहुँच भी गए, ऑलमोस्ट बोरीवली के पास है। चलो बढ़िया है, ऐसा लग रहा है आउट ऑफ मुंबई जा रहे हैं, इतना खाली खाली। आउट ऑफ मुंबई जा रहे हैं, मुंबई की तरफ, मतलब मुंबई में नहीं है ऐसा लग रहा है ना ट्रैफिक। अच्छा अच्छा, वैसा। और मेरा एज ऑलवेज चल रहा है काम, फिर भी देखो आने का ही है। तो ये सामने बैरिकेड्स है, मास्क लगा। अच्छा तूने लगा है? मेरा लगा हुआ है। तो आई होप पुलिस रोकेगी नहीं, अगर रोक भी दिया तो हमारे पास एसेंशियल सर्विसेज का रीजन, अब तो बस लेटर भी है नहीं है, बट ऐसा रोका तो फिर टाइम खोटी होता है ना, फिर दिमाग खराब होएगा, फिर लाइसेंस दिखाया ना, ये दिखा ना, वो बाबा उड़ गया वो बैरिकेड, बैरिकेड उड़ गया। ठीक है, काम करके भी मुझे आना है। हाँ तो वही, अभी देखो आना ही है तो फिर चलो। उधर बेचारा काजू रो रहा है घर पे अकेला, तेरे को इधर आने का। वो ऐसे भी रोता है, कहीं पे भी जाओ नीचे तो। वैसे ये जो है ये अपना मुंबई मेट्रो है, ये वाली लाइन जो है दहीसर टू आई थिंक बांद्रा तक जाती है, ये ऑलमोस्ट खत्म होने पे। मैं कितने सालों से इसको ऐसे देख रहा हूँ, 3 साल तो हो ही गए, तभी इसका सिर्फ पिलर्स बना हुआ था, उसके 2 साल पहले शायद काम चल पा, 5 साल तो हुआ ही रहेगा उसको शायद, और 6 महीना 1 साल शायद लगेगा। तो दोस्तों ये देखिए आकृति स्टेशन का नाम है, वाओ लुकिंग गुड यार। और यहाँ देख लिपस्टिक, यहाँ पे भी ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है। क्या बात है, अभी जाते हैं ऑफिस में थोड़ा काम करके फिर निकलते हैं। A few moments later, ये देखो कौन सी कोमड़ी है वो, और कोमड़ा है, आई डोंट नो, और एक है। चलो अपना काम हो गया, लो कर लो बात। ट्रैफिक का नाम लिया था ना मैंने, नहीं है। ये ले बेटा, ले ट्रक, थोड़ा फील ले ले, मुंबई जा रहा है ना, फील ले ले थोड़ा। वैसे यार बहुत मैंने यहाँ पे वड़ा पाव का, जहाँ पे मेरे ऑफिस के पास एक नंबर वड़ा पाव और मिसल पाव मिलता है, मैंने ढूंढा लेकिन बंद है। तो सामने देखते कुछ मिलेगा, वैसे लगता नहीं है कुछ मिलेगा। अरे क्या चिपक चिपक के चल रहे है, व्हाट इज गोइंग ऑन। ये देखो हिमालयन का कलर, क्या बात है, क्या कलर है वो, जगमग केटीएम ऑरेंज और व्हाइट। मेरे को अपना 390 ड्यूक याद आ गया, व्हाइट और ऑरेंज। मैं तो एक ही बार बैठी उस पे। अच्छा हाँ, तो एक ही बार बैठी, और फिर शादी के पहले अपन ने नई बाइक ले ली थी। हाँ। चलो बढ़िया है, फर्स्ट टाइम मिलने आए थे तो ड्यूक से आए थे, ड्यूक से आए थे यार, अभी भी तुझे याद है? ऑब्वियसली मुझे सब याद रहता है, यू आर द वन हु फॉरगेट। तो पिछले आधे घंटे से हम ढूंढ रहे हैं कि हाईवे के बाजू में कुछ तो मिले, वड़ा पाव मिले, समोसा पाव मिले या भजी पाव, कुछ तो मिले, कुछ भी नहीं है। अंदर मिल जाएगा पर हाईवे पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हाईवे पे कैसा मिलेगा यार। तो चलो अभी घर के जाके देखेंगे, वैसे तो हरियाली देखो, 2 दिन बारिश गिरी और एकदम घोड़बंदर रोड ग्रीन हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। अभी महीने भर में बारिश शुरू हो जाएगी और फिर और ग्रीन। चलो कहीं चलते हैं। मैं भी वही सोच रहा था, अपन ने अभी ये फाउंटेन से टर्न मारा ना, सीधे निकल जाते थे गुजरात, देख लेते थे कोई रोका तो वापस आ जाएगा। काजू? अरे हाँ, काजू भूल गया रे, अपने को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है काजू अपने साथ होने के बाद ट्रैवल करने का। काजू का कुछ तो काजू का बंदोबस्त अपने को लगाना पड़ेगा, वैसे तो
वैसे आप लोग बताइए ऑप्शंस कि हम लोग क्या बंदोबस्त लगा सकते हैं। वैसे तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनके पास मैं रख सकता हूँ। पेट बोर्डिंग के ऑप्शंस भी हमने देख लिए, लेकिन अगर आपके पास और कोई ऑप्शन हो, या तो आपके पास खुद के पास एक डॉग हो, पपी हो, और आप रेडी है कुछ दिनों के लिए काजू को रखने के लिए, तो प्लीज़ मुझे DM कीजिए इंस्टाग्राम पे। मुझे पता चलेगा तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा, क्योंकि कभी ना कभी ये अपने को ये तो होने ही वाला है। तो ऐसा नहीं है कि अपने पास ऑप्शन नहीं, ऑप्शन है, लेकिन कैसे बहुत सारे ऑप्शन हम रखेंगे रेडी, तब कहाँ एक उसमें से काम करेगा। नहीं तो फिर दो ऑप्शन के भरोसे रहेंगे और नहीं कर रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा प्लान लटक सकता है। चलो वी आर बैक होम, अभी जाके देखते हैं काजू की हालत। सो रहा है क्रेट में जाके, खुद ही सो रहा है। चलो ठीक है, चेहरा कैसा ऑयली ऑयली हो गया रे, पर चमक रहा है। चलो ये ऑटोमेटिक लाइट है, अपन अंदर लाइट चालू हो गया। देखो अभी इसको समझ गया हम लोग आ गए। He's ready at the door. चलो get ready. 1, 2, 3. तो कुछ व्लॉग पहले मैंने एक ऐसी रेसिपी दिखाई थी, ठकुरन जी बना रही थी, जो बहुत लोगों को पसंद है, काफी लोगों को पता नहीं है, कढ़ाई से थालपीट। तो वो जो वाटी जैसा, एक कटोरी चाट जैसा बड़ा सा थालपीट था, थालपीट आपको कैसे बताऊँ थालपीट। चलो एक काम करो, देख लो शी इज़ मेकिंग, तो आपको दिखा देता हूँ, जस्ट एक छोटा सा पार्ट दिखाता हूँ, मतलब एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे करते हैं। ओवर टू यू ठकुरन जी, क्या पूरा रेसिपी बोलूँ, मतलब ये कैसे बनाया, ये बना रहे हैं? हाँ, ये जो डो है इसमें ये वीट फ्लार है, मतलब अपना नॉर्मल आटा, उसमें थोड़ा सा बेसन, अनियन फाइनली चॉप्ड, और कोथिंबीर, और अपना मसाले सारे, हल्दी, मिर्ची एंड थोड़ा सा गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, ये सब, नमक, दैट्स ऑल, और हाँ जिंजर गार्लिक का थोड़ा सा पेस्ट। ये सब मैंने एक डो बनाया, उसके बाद अभी मैं ऑयल डाल के नीचे, लाइक 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल प्रॉब्ली, और फिर अभी इसको बोलती हूँ मैं थापना। तो ये मैं कढ़ाई के, जो कढ़ाई है उसके शेप का बना रही हूँ उसको ऊपर खींच के, तो यू हैव टू डू दिस पूरा ऊपर तक। तो ये है प्रोफेशनल तरीका करने का, इससे हाथ थोड़ा दुखता है इसलिए मैं ये नहीं करती। तो अगर ये कोई रेसिपी बना रहा है तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे फोटो डालो, या तो इसको टैग करो Mrs.Wonders है ना, मुझे टैग करो, मतलब पता तो चले किसी के काम आया है, कुछ तो वैल्यू दिया हमने, शायद काफ़ी लोग बनाएंगे मुझे लग रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड। खा के देखो बस, मज़ा आ जाएगा। बस वो प्रपोर्शन अभी आप खुद देख लो कितना डालना है, क्योंकि ये बनाते टाइम मैं थोड़ा भूल गया, मैं बाहर था तो नहीं। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जितना आटा लेते हो रोटी के लिए उतना लो, और उसमें थोड़ा बेसन डाल दो। ओहो क्या बात है, तो ये हो गया अभी पूरा इवनली स्प्रेड। अभी इसमें बनाने हैं छेद, उससे क्या होता है वो ऑयल अभी ऊपर से मैं डालूंगी तो वो सारा परकोलेट होता है नीचे तक, इसको थोड़ा ऑयल एक्चुअली ज्यादा लगता है कुक होने के लिए। तो गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई और गैस हो चुका है शुरू, थोड़ा सा तेल, दैट्स इट, ढक दो। कितने टाइम के लिए? 15 मिनट्स तो लगेगा, 10 to 15 minutes, बट बीच में एक बार चेक कर सकते हो, और ठीक है आगे बताती हूँ कैसे होता है, कैसे समझना है, इट्स डन। ये देखो अभी चप्पल, ये चप्पल मेरी टूट गई थी, इसको मैं सिला के लाया, नया चप्पल खरीदा नहीं, क्योंकि मेरे को पता है नया चप्पल खरीदूंगा ये नया चप्पल भी तोड़ देगा, इसीलिए यही अपन ने रिपेयर कर लिया है, एक दो महीना चल जाएगा उसके बाद देखेंगे नया चप्पल। इसको अपन निकालेंगे और मैंने चेक किया था, हो गया। अच्छा हो, अब क्या बात है। तो अभी ये देखो, ये वाला जो पार्ट होता है इतना, ये क्रिस्पी होता है, और ये वाला थोड़ा मतलब सॉफ्ट होता है, तो अभी इसको ऐसे ही कूल डाउन होने दो, ढक्कन मत रखो। और इसके साथ बेस्ट हमको क्या लगता है, अपना दाल तड़का फोड़ने से वरन, ये देखो तो मस्त, उसमें घी डालने का, नहीं तो इसको भी घी के साथ खा सकते हैं, और इसको कल अगर खाएंगे सुबह तो और अच्छा लगेगा। हाँ। तो ऐसी थी एक यूनिक रेसिपी, मैंने भी जिंदगी में पहली बार देखी जब हमारी शादी हुई, उसी ने बनाया था, एक्चुअली ये ससुराल से आई हुई रेसिपी है, है ना, सासू माँ के ससुराल से आई हुई है, सॉरी ससुराल सासू माँ के मायके से आई हुई है, मेरे ससुराल से यहाँ आई। इट विल पास ऑन। चलो इट्स टाइम, ठंडा हो चुका है, ओ वाओ क्या बात है, चलो बहुत भूख लगी। ओके सो इट्स टाइम टू एंड द वीडियो, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी मोटी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, ऐसे ही थोड़ा ले दे के, मेरे पास वही टी शर्ट्स पड़े हो तो मैंने सोचा थोड़ा एक टी शर्ट अच्छा खासा ऑनलाइन कर लेते हैं ऑर्डर,
एंड आई गॉट दिस इंटरेस्टिंग टी शर्ट. अभी देखते हैं मेरी साइज बराबर होती है क्या. आई थिंक हो ही जाएगी. लुक एट दिस मुंबई इंडियंस, क्या बात है. ओके, क्वालिटी तो अच्छी है. फुल स्लीव्स टी शर्ट है, क्या बात है. ये मेरे को बड़ा क्यों लग रहा है. ठीक है चलो पहन के देखते हैं. ओह हो, बड़ा तो नहीं है. ठीक है, आई मीन वैसे बड़ा लग रहा है क्या. नॉट श्योर. वैसे इसके अंदर टी शर्ट है तो शायद थोड़ा बड़ा है. ठीक है, देखना पड़ेगा. तो चलो ठीक है, दैट्स इट. टाइम टू एंड दिस वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगे. अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन. बाहर थोड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने का अपने को आदत है और घरेलू कंटिन्यूसली एक डेढ़ महीने से व्लॉग्स चालू है. तो ठीक है, आप लोग को चाहिए, मैं भी दे रहा हूँ. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. लेकिन असली मज़ा जो है वो बाहर के वीडियोज़ में, मतलब ट्रैवलिंग करते या बाहर कुछ करते हैं, एक्टिविटी करते हैं. चलो ठीक है, आई होप कुछ दिनों बाद वो सब शुरू हो जाए. और अपना प्लानिंग जो है लद्दाख का वो थोड़ा माइंड में शुरू हो गया है. वैसे तो फिजिकल लेवल पे कोई प्लानिंग शुरू हुआ नहीं है, बस दिमाग में जो है वो प्लान अभी तक चल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, धीरे धीरे थिंग्स क्लियर हो रही है. लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं. आप लोग की दुआएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो प्लीज़ थोड़ा पॉजिटिविटी अगर आप दे कि भाई मेरा लद्दाख हो जाएगा तो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त लेवल के अपने वीडियोज़ मिलेंगे, अपनी सीरीज़ मिलेगी. तो प्लीज़ दुआ में रखो कि हमारा लद्दाख इस साल हो जाए भगवान. सो दैट्स इट, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में. तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटको मत, घर पे ही रहो. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, बढ़ते जा रही है. लगता है बारिश इस साल मिल जाएगी.